अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। एंड आई नो कि आप लोगों के लिए ये सेमेस्टर बहुत टफ जा रहा है, बिकॉज एक बिल्कुल नया सेटअप है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, टीचर के साथ फिजिकल फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा, और कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं। बट आई वुड लाइक टू से कि यू आर डूइंग द बेस्ट जॉब, और मैंने अब तक जितने प्रपोजल्स देखे हैं, और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम देम, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों को इस टाइम पे आती है और आप कर सकते हैं, आई वुड से कि बहुत सारे एमफिल इवन पीएचडी के स्टूडेंट्स को वो काम नहीं आता, स्पेशली द लिटरेचर रिव्यू, यूज ऑफ एंड नोट्स, लिटरेचर सर्वेस एंड एंड सच दैट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सेकेंडली, ठीक है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो अप डाउन हैं, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ आपको अपडेट कर दूँ। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर से हम ना डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपना ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये किस तरह लिखना है। तो इसके लिए जो टेम्पलेट मैंने आपको दिया है वो एक दफ़ा फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि एक सैम्पल, अपने पीएचडी रिसर्च प्रपोजल का एक सैम्पल जो है ना, वो आपके सामने रख के, तो कुछ चीजें जिसमें कंफ्यूजन आ रही हैं स्टूडेंट्स को, उनमें मैं आपको गाइड कर सकूं। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें कि हमने जो टाइटल आपने यहाँ पे लिखा, ठीक हो गया। ये टेम्पलेट एज इट इज आपने कॉपी करना है। ये रेड कलर में सिर्फ इस वजह से लिखे हुए हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे अपना नेम और रोल नंबर लिखें, इनको रिप्लेस करके, और इनका कलर ब्लैक कर दें। ठीक है, तो आपने इनका कलर, जब आपने अपना नेम लिखना है, जैसे मैं अपना यहाँ पे नेम लिखूंगा फरहान सरवर, तो मैं इसका कलर जो है वो यहां से ब्लैक कर दूंगा। ठीक हो गया, और फिर यहाँ पे मैं जब रोल नंबर लिखूंगा तो उसका कलर भी मैं यहाँ पे फिर चेंज करके ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इसमें लिखना, और इसको आप कैप्स में कर दें तो बेहतर है। ये हम इसको अपर केस में कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पेज नंबर वन। अब आगे चलते जाए, अब ये रिमेनिंग पेजेस बिल्कुल इसी तरीके से आपने कॉपी करने हैं, इनको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं। जब यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट, तो यहाँ पे दिस प्रपोजल रिपोर्ट कर दें, यहाँ पे चूंकि आप अभी प्रपोजल सबमिट करा रहे हैं। ठीक है, और इसको आप कोशिश करें लेफ्ट लाइन यू यू कर दें, ताकि ये टाइटल, और यहाँ पे टाइटल लिखें इसको रिप्लेस करके, नेम लिखें, डेट लिखें, जाहिर है सिग्नेचर ऑनलाइन सबमिशन है, सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। अगर चाहें तो आप अपने डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। ओके, मूविंग नेक्स्ट, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो डेडिकेशन, जो आपने डेडिकेशन देनी है एज इट इज, आप यहीं से पिकअप करें। बेहतर तो ये है कि इस ही डॉक्यूमेंट में आप अपना डॉक्यूमेंट बनाएं, और इसके अंदर आप टाइप इन अपनी डेडिकेशन कर दें। मूविंग नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट जो आपने लिखनी है एज इट इज, देखें हेडिंग्स लिखी हुई हैं, आपको उसके अंदर सिर्फ अपनी एक्नॉलेजमेंट लिखनी है। एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट में लोगों को कंफ्यूजन है कि एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं। ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। आप एक प्रपोजल सबमिट करा रहे हैं जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, तो आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब एब्स्ट्रैक्ट में जाहिर है कि एक तो यहाँ पे देखें मेंशनड है इन अ सिंगल पैराग्राफ, तो आपको वो हेडिंग वाइज एब्स्ट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको पैराग्राफ एक बनाना है, और जितना आपने उसमें लिखा है वो आप उसमें लिखेंगे। अच्छा, अब जिस तरह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको ना उसका सैंपल भी दिखाता हूँ। अब मैं अपना जो पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल है, मैं उसका आपको सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे टाइटल है, ये जाहिर है आपका जो टेम्पलेट में फॉर्मेट है आपने तो उस तरह फॉलो करना है। अच्छा, अब नीचे ये देखें एब्स्ट्रैक्ट। अब देखें एब्स्ट्रैक्ट में जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि ये एक पैराग्राफिक फॉर्म में है। ठीक है, मैंने इस स्टार्ट से लेके यहाँ तक रिसर्च गैप को डिस्कस किया है। जैसे देखें, हाउएवर लिमिटेड लिटरेचर हैज एक्सप्लोर्ड रोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक इन शेपिंग इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ वर्क फैमिली इंटरफेस। अब मेरा जो टॉपिक है, ऑफ कोर्स उस टॉपिक के ऊपर मैंने जितनी रिसर्च की है, आपका टॉपिक होगा आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, लेकिन हमारा राइटिंग स्टाइल जो है ना वो बहुत हद तक मैच करते हैं। तो आप भी स्टार्ट में अपने लिटरेचर, अपना गैप, रिसर्च प्रॉब्लम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा थ्योरेटिकल मॉडल बेस्ड ऑन जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल। अब ये मेरा मॉडल है, आपका कोई और मॉडल या थ्योरी होगी, आप उस पर काम कर रहे होंगे, तो आपने इस तरीके से लिख के आगे चले।
ठीक है, ये अभी इतना ज़्यादा तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप ये देखें कि यहाँ पे तक लिटरेचर डिस्कस किया, अब यहाँ पे ना मैं मेथडोलॉजी पे आ गया। द स्टडी एडॉप्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलोसफी, चले आप फिलोसफी को छोड़ दें, एंड इज क्वान्टिटेटिव इन नेचर, आपने लिखा होगा इस तरह की कोई बात। सर्वे बेस्ड ऑन मेजर्स एडॉप्टेड फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज विल बी यूज्ड। अब विल बी यूज्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रपोजल है, तो यहाँ पे मेरी लैंग्वेज में विल बी आ गया। ठीक है, सर्वे बेस्ड मेजर्स एडॉप्टेड फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज will be used to collect cross-sectional primary data from 379 faculty members in public sector universities of Pakistan. ठीक है, अब यहाँ पे देखें सारा लिटरेचर हाइपोथेसिस फ्रेमवर्क को डिस्कस करने के बाद, एट द एंड मैंने जो मेथडोलॉजी की बात की तो मैंने कहा द स्टडी इज क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड सर्वे बेस्ड ऑन मेजर्स अडॉप्टेड फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज विल बी यूज्ड टू कलेक्ट क्रॉस सेक्शनल प्राइमरी डाटा फ्रॉम 379 फैकल्टी मेंबर्स इन पब्लिक स्कूल। ठीक है, और एंड पे मैंने ये कहा कि कलेक्टेड डाटा विल बी कोडेड स्क्रीन एंड रिलायबिलिटी ऑफ मेजर्स विल बी एनालाइज्ड। इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, आपको ये बताऊंगा कि हमने डाटा एनालिसिस कैसे करना है, उसको एज सिंपल एज पॉसिबल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको हम रखें। एंड रिसर्च मॉडल विल बी टेस्टेड यूजिंग, चलें ये चीज़ें आप कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर 150 to 300 वर्ड्स का सिंगल पैराग्राफ होगा, आफ्टर द एब्स्ट्रैक्ट on the same page and starting a new paragraphs are keywords in italics, ठीक है, keywords in italics, ठीक है, अच्छा, और remember there is no indent in this paragraph, ये paragraph यहाँ से start हो रहा है, your instructor may determine the length of the, as long as fits the parameter of no more than 250 words, अच्छा, अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, 1 to 2 sentences covering the general context of the research topic, 1 to 2 sentences regarding the specific research problem, one sentence regarding the research methodology and 1 to 2 sentences regarding the significant finding. अब findings तो जाहिर है ये proposal है तो इसमें findings नहीं आएंगी, तो ये findings वाला portion अभी हम skip कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम clear हो गए abstract, ये इसकी abstract की heading है, as it is इसको यहाँ से उठाएं और अपने paragraph में copy कर लें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा effort की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके आपको एक मैंने जो format है वो provide कर दिया है, तो आपको ना इसमें सोचना है ना आपने इसमें कोई इनोवेशन लगानी है, आपने एज इट इज ये फॉर्मेट जो है हेडिंग्स वगैरह का ये इसको इसी तरीके से कॉपी कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब इसमें भी आपको कोई किसी किस्म की जरूरत ही नहीं है कि आप अपने से एफर्ट लगाएं, टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है, अगर आप इसी टेम्पलेट को फॉलो करते हैं तो आप सेम टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसको यूज कर सकते हैं, जब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है अपडेट हो जाएगा। तो दिस इज सिंपल वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इशू, इसमें वो मेरे ख्याल रिसर्च से ज्यादा जो है वो वर्ड को कैसे यूज करना है, यहाँ पे वो वाली बात आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 1 जो मैंने डिस्कस करा था कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, हेडिंग्स कैसे बनानी है और फॉर्मेट उसका एब्स्ट्रैक्ट का क्या होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 में, जिसमें है कि रिसर्च प्रॉब्लम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो हमने कैसे लिखना। ठीक है, इसको आप रिसर्च प्रॉब्लम कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कर सकते हैं, जिस तरह भी आप उसका नाम देना चाहें। यू विल प्रोवाइड वन कंसाइज पैराग्राफ डिस्कसिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम, बी स्पेसिफिक इन डिस्क्राइबिंग दिस प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल यू माइट डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस इन इन अमंग स्टूडेंट ड्यू टू सोशल आइसोलेशन एंड द रिजल्टिंग रिस्क टू लर्निंग कैपेबिलिटीज। देखिए, रिसर्च प्रॉब्लम जो अभी तक मैंने स्टडी किया है ना, आप लोगों ने उसको ज़्यादातर रिसर्च गैप के साथ ही इंक्लूड कर दिया। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम में रिसर्च गैप होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये तो बताएं कि आप जो जिस वेरिएबल आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल पर काम कर रहे हैं, जैसे ब्रांड लॉयल्टी हो गई या फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया या डेट टू इक्विटी रेशियो, जो भी आपका प्रॉब्लम वो है, उसमें इश्यूज क्या हैं जो आप उस पर काम करना चाह रहे हैं कि ओवर द ईयर पाकिस्तान के जो जीडीपी है वो डिक्लाइन में है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरीके से ब्रांड लॉयल्टी जो है वो कम होती जा रही है या ब्रांड लॉयल्टी के इश्यूज आए, तो इस तरह आप कुछ किसी तरीके से कोई लिटरेचर में से या न्यूज़ में से या कहीं से ये इशू उठा के लाएं जो प्रैक्टिकल इशू हो, और फिर आप उसके साथ कनेक्ट करें कि चूंकि अभी इस टॉपिक के ऊपर और काम करने की ज़रूरत है, अभी पाकिस्तान में ये रिलेशनशिप्स टेस्ट नहीं हुए या रिलेशनशिप टेस्ट हुए हैं तो उनके दरमियान जो मीडिएशन है वो टेस्ट नहीं हुई, जिस तरह भी आप उसको गैप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं,
आप उसको कनेक्ट करें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है उसमें, और मैंने कई लोगों का जो चेक किया है उसमें मैंने हाईलाइट भी करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का इश्यू जो है वो क्लियर हो गया। अब मैं आपको थर्ड इशू जो है वो मैं हाईलाइट करता हूँ, दैट इज योर साइटेशंस। अच्छा, अब साइटेशंस के लिए मैं दोबारा से अपने प्रपोजल में से एक चूज करता हूँ रैंडमली एक पैराग्राफ। अच्छा जी, अब ये सामने आपके पास एक पैराग्राफ है। अब आप जरा इसमें अगर गौर से देखें तो इसके अंदर काफी साइटेशंस हैं, और ये इन टेक्स्ट साइटेशंस का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने एंड नोट्स को यूज किया, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ ये देखें ये हाईलाइट हो जाती है। इसका मतलब है ये एंड नोट्स के लिंक्स बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि इफेक्टिवली बैलेंसिंग डिमांड एंड रिसोर्सेज एंड अचीविंग अ सेटिस्फैक्टरी इक्विलिब्रियम बिटवीन मल्टीपल रोल्स इन टू डोमेन्स इज अ सब्सटेंशियल चैलेंज फॉर कंटेम्प्रेरी एम्प्लॉयज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो एक मैंने पैराग्राफ लिखा जिसकी आपको बिल्कुल भी समझ ना आई हो, इट्स ओके। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस पैराग्राफ के एंड पे मैंने ये साइटेशंस दी हैं मल्टीपल स्टडीज में से, ठीक है। तो मैंने ये मल्टीपल स्टडीज में जब साइटेशंस दी एट द एंड ऑफ द लाइन, तो इसका फॉर्मेट इसी तरीके से होना चाहिए कि ऑथर्स का नेम ब्रैकेट के अंदर और ईयर भी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी साइटेशंस दी हैं जिसके अंदर मैंने स्टार्ट में साइटेशन दी है और उसके बाद मैंने जुमला स्टार्ट किया है, तो फिर ऑथर का नेम ब्रैकेट से बाहर होना चाहिए। और उसका तरीका यह है कि आप राइट क्लिक करें अपनी साइटेशन पे और एडिट साइटेशन की ऑप्शन आएगी। देखिए, अगर मैं इसमें डिफॉल्ट फॉर्मेट कर देता हूं तो डिफॉल्ट फॉर्मेट तो यही होगा कि ऑथर का नेम ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, और चूंकि इसमें काफी सारी साइटेशंस हैं तो ऑफ कोर्स इसमें ये एंड नोट्स टाइम लेगा, इसको अपडेट करने में ऑलमोस्ट 400 to 500 साइटेशंस हैं इसमें। तो ये थी डिफॉल्ट फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें ऑथर का नेम ब्रैकेट के अंदर और ईयर भी ब्रैकेट के अंदर। लेकिन ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट कि गैम्बल्स एट ऑल 2006 टेस्ट, और एट ऑल इसलिए लगा देता है एंड नोट्स एपीए फॉर्मेट में कि जब दो से ज्यादा ऑथर्स हो, ठीक है। जब दो से ज्यादा, जब दो ऑथर हो तो फिर वो एंड करके लिख देता है, लेकिन जब दो से ज्यादा ऑथर हो तो फिर एट ऑल लगा देता है इसमें। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जब अब ऑथर के नेम से स्टार्ट करें अपना सेंटेंस, तो आप फिर इसको ऑथर के नेम को बाहर ले आए, तो डिस्प्ले एज ऑथर ईयर की ऑप्शन आपने यहाँ पे यूज करनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऑथर ईयर यूज किया। अच्छा, ये एक हो गया ऑप्शन। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि समटाइम्स हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया ना कि ऑथर साइटेशन से आपने सेंटेंस को स्टार्ट किया, ठीक है। एक मैंने आपको ये बता दिया कि एट द एंड ऑफ द लाइन आपने रेफरेंस दिया, यानी उस पैराग्राफ में या उस लाइन में जो आपने बात की, आपने कहा कि ये मैंने बात इन स्टडीज में से उठाई है, ठीक है। एक तरीका ये है कि मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू सम ऑथर, यानी अकॉर्डिंग टू, ये देखें अकॉर्डिंग टू ये वेट नेबी एंड फेल्सी 2016। अब इसमें भी सेम टू सेम, क्योंकि हम सेंटेंस के स्टार्ट या अकॉर्डिंग टू में लेके आ रहे हैं, तो अगेन ऑथर्स या ऑथर्स के नेम जो है वो ब्रैकेट से बाहर होंगे, यानी ऑथर ईयर फॉर्मेट यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपने यहाँ पे भी ऑथर ईयर फॉर्मेट को एडॉप्ट करना है। तो आई होप कि इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं इस चीज को कर सकता। मेरे एंड नोट्स की जो वीडियो है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, उसके एंड पे भी मैंने ये सारी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो मेरा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है उसमें बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चंस के जो लिखने का तरीका, आई थिंक सब सब लोगों ने उसको ठीक ही लिखा हुआ है कि टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट ऑफ या और टू एक्सप्लोर द फैक्ट ऑफ, ये डिफरेंट इसके स्टाइल्स होते हैं, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। और रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस के स्टाइल में होते हैं, ठीक है। तो उसके एंड पे आप एक क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, तो आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस अगर इंक्लूड करें अपने इंट्रोडक्शन में तो वो आपके स्टाइल, आई थिंक जब तक मैंने देखे हैं वो ठीक स्टाइल है। तो
उसके ऊपर इतना इश्यू नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में। जो लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में और काफी अच्छी आप सब लोगों की एफर्ट है, अगर कोई उसको इम्प्रूव करना चाहे या उसको और बेहतर करना चाहे, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों के सिर्फ फॉर्मेटिंग पे ज्यादा फोकस किया है और कुछ इश्यूज जैसे एब्स्ट्रैक्ट का स्टाइल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैंने एक नजर सबके तकरीबन गौर से देखा है, क्योंकि ये एक बैकबोन होती है आपकी रिसर्च की, और उसके बाद मेथडोलॉजी को मैंने ज्यादा फोकस किया है। अंदर आपने क्या थेरीज डिस्कस की है, क्या लिटरेचर यूज किया है, वो मैंने अभी इतना फोकस नहीं किया, वो मैं वैल्यूएशन में आपके फोकस करूंगा और उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा उसमें, ठीक है। लेकिन लिटरेचर रिव्यू का जो आमतौर पे स्टाइल होता है उसमें ये होता, आप सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं या उनको डिस्कस करते हैं, जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं अपना थेरीज, डिफरेंट थेरीज जो होती हैं आपकी स्टडी की, आप उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वहीं से फिर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं अपना थ्योरेटिकल मॉडल या रिसर्च फ्रेमवर्क भी आप उसको कह सकते हैं। तो अब अगर आप देखें, ये थ्योरेटिकल मॉडल जो है, इसकी जैसे एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। ऑफ कोर्स ये पीएचडी स्टडी है, इसके अंदर ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, इसमें मॉडरेटर्स भी हैं, मीडिएटर्स भी हैं, आप लोगों की मिनिएचर स्टडीज है, लेकिन फॉर्मेट सेम होता है। मतलब आप लोग जाहिर है प्रिपेयर हो रहे हैं फॉर द फ्यूचर रिसर्च, तो आप उस फॉर्मेट को अडॉप्ट करेंगे, उस तरीके कार पे चलेंगे, तो आप उसको और ज्यादा फ्यूचर में बेहतर तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया है, अपना रिसर्च फ्रेमवर्क जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अच्छा, कुछ लोगों ने जो मुझे अपने प्रपोजल्स भेजे हैं उसमें देखें, आपने लेबलिंग नहीं की भी कि ये फिगर क्या है, इस फिगर का नाम क्या है, तो काइंडली आपने फिगर को लेबल जरूर करना है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जब रिसर्च फ्रेमवर्क, अब देखें कैसे स्टार्ट हुआ, इसका फ्लो क्या था। सबसे पहले इंडिविजुअली वेरिएबल्स को डिस्कस किया, ठीक है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड रिव्यू ऑफ स्टडी वेरिएबल्स। उसके बाद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस किया और मैंने अपना फ्रेमवर्क प्रेजेंट कर दिया, ये जो मेरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। उसके बाद मैंने, या आप इसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कह सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में तो हर चीज इंक्लूड हो जाती है, तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है और ये उसकी डायग्राम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया, और हर रिलेशनशिप को डिस्कस करने के बाद, अब वो रिलेशनशिप्स क्या है इंडिविजुअल के, जो मेरा फ्रेमवर्क है थ्योरेटिकल, ये देखें, ये थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है इसमें देखें, ये इस वेरिएबल से इस वेरिएबल, जॉब डिमांड से वर्क टू फैमिली कन्फ्लिक्ट के दरमियान में जो एक लाइन है ना, ये एक रिलेशनशिप को डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को, ये मेरा एक हाइपोथेसिस होगा, इस हाइपोथेसिस को जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया कि प्रीवियस स्टडीज में इनकी जो आपस में मिलती जुलती रिसर्च हुई है मैंने उसको डिस्कस किया, और एट द एंड मैंने क्या किया कि एक हाइपोथेसिस या एक या दो हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करती है यहाँ पे, ठीक है। और हाइपोथेसिस लिखने का स्टाइल वही है कि इस पॉजिटिवली एंड सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू, आप इसे विल भी ना लिखें, आप इज भी लिखते तो कोई उसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि वो ज्यादा बेहतर है, आप इसकी जगह इज लिखते, ठीक है। माई वेरिएबल वन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वेरिएबल टू, तो ये आपका हाइपोथेसिस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने काफी हद तक ठीक लिखा है, इसको आप और इम्प्रूव करना चाहें तो उसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मेथडोलॉजी में, ठीक है। मेथडोलॉजी में थोड़ी सी वीकनेस मुझे इसलिए फील हुई कि मे बी आप लोगों ने अपने रिसर्च मेथड्स के कोर्स को थोड़ा सा भुला दिया है, उसकी कुछ चीजें जो है वो आपके जहन में नहीं है। रिसर्च फिलोसफी के चक्कर में आप बेशक ना पढ़ें, वो एक कॉम्प्लेक्स है, थेरी होती है उसमें, लेकिन रिसर्च डिजाइन जो है वो आप लोगों का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम रिसर्च डिजाइन इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चले कि हम डाटा, हमने जो कलेक्ट करना है वो कैसे कलेक्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है, और उस डाटा को एनालाइज कैसे करना है। तो कुछ लोगों ने मुझे ये पूछा कि क्या रिसर्च मेथडोलॉजी इस चैप्टर में ही एनालिसिस होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए एनालिसिस, एनालिसिस होना चाहिए चैप्टर नंबर 4 जो रिजल्ट्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 जो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी का चैप्टर है, उसके अंदर आपने सिर्फ ये बताना है कि प्रपोज्ड एनालिसिस आपका क्या होगा, मतलब आप इसके ऊपर कौन सा एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो अगर आप ये देखें कि ये जो मेरा रिसर्च डिजाइन का चैप्टर है, ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, तो
इसके अंदर मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ है, ठीक है। और ये बिल्कुल ये सारी चीजें उमा सीकरान की जो बुक है ये उसमें से अडॉप्टेड, क्योंकि वो बड़ी फेमस बुक है और खास तौर पे एशियन स्टूडेंट्स के लिए तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल बुक है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बड़ी ईजी है। तो उसके अंदर देखें पर्पज ऑफ द स्टडी क्या थी मेरी, मैंने कहा जी ये तीन पर्पज ऑफ द स्टडी पॉसिबल है, उसमें से मेरी स्टडी जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। फिर टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कॉजल और कोरिलेशन हो सकती है, मेरी जो है वो कोरिलेशनल स्टडी है, कॉजल इसलिए नहीं है कि वो तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। एक्सटेंड ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस मिनिमल है, क्योंकि मैं सर्वे कर रहा हूँ, जाहिर है इसमें मॉडरेट और मैक्सिमम तो तभी होगी जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। स्टडी सेटिंग जो है वो नॉन कंट्राइव्ड, नॉन कंट्राइव्ड का मतलब है अगर आप अपने रिसर्च डिजाइन के चैप्टर को एक दफा रिवाइज करें तो नॉन कंट्राइव्ड का मतलब ये होता है कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी की जा रही है, और कंट्राइव्ड का मतलब है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जैसे लैब होती है या कुछ ट्रेनिंग होती हैं तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं अपनी तरफ से, और नॉन कंट्राइव्ड का मतलब ये है कि नेचुरल एनवायरनमेंट। टाइम होराइजन ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्योंकि सर्वे में वन एट अ वन टाइम पे सर्वे कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा डाटा कलेक्ट कर रहा है जो ओवर द ईयर्स या ओवर द टाइम का डाटा है तो उसकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। नेचर ऑफ द स्टडी क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं नंबर्स को एनालाइज कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी बातें हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर में, और ओवरऑल ये चैप्टर जो है वो सब लोगों ने काफ़ी ठीक लिखा है। जो मुझे थोड़ा सा एतराज है इस चैप्टर में वो है आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन यानी आपके मेजर्स। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चनेयर तो है और वो क्वेश्चनेयर आप लोगों ने अपेंडिक्स में लगा दिया, कुछ लोगों ने नहीं भी लगाया लेकिन ये होना चाहिए अपेंडिक्स में। अब ये देखें ये मेरा सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये इंट्रोडक्शन लिखी है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिखा है, और उसके बाद ये मेरा सर्वे इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चंस हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये क्वेश्चंस आए कहाँ से। जाहिर है ये क्वेश्चंस मैंने खुद नहीं बनाए, ये रिकमेंडेड नहीं होता, ये मैं सर्वे वालों की बात कर रहा हूँ, जो सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं उनको ये इशू नहीं होगा, लेकिन जो सर्वे कर रहे हैं उनके लिए ये इशू है कि ये क्वेश्चंस जो है वो आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, क्योंकि रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस नहीं बना सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी एक वेरिएबल को किस तरीके से मेजर करते हैं, जैसे ब्रांड लॉयल्टी है, आप ब्रांड लॉयल्टी को किस तरह मेजर कर सकते हैं, आपको उसके डायमेंशंस का नहीं पता। आप किसी भी प्रीवियस रिसर्च में जिसने उस पर काम किया हुआ आप उससे किसी तरीके से क्वेश्चनेयर अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका तरीका, अब जिन लोगों के पास क्वेश्चनेयर हैं लेकिन उनको सोर्स का नहीं पता तो वो यही कर सकते हैं कि वो इंटरनेट पे जाएं और वहां पे करें कि क्वेश्चनेयर फॉर ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। अब वो क्वेश्चनेयर जिस तरीके से गूगल स्कॉलर पे है, ठीक है, क्वेश्चनेयर फॉर ब्रांड लॉयल्टी, तो कहीं ना कहीं से अब ये देखें, अब ये ब्रांड लॉयल्टी का ये एक फॉर एग्जांपल रिसर्च है, ठीक है, ये ब्रांड लॉयल्टी की रिसर्च में कहीं ना कहीं इस स्टडी ने कोई क्वेश्चनेयर यूज किया होगा, ठीक है। आप इसके क्वेश्चनेयर के पोर्शन पे जाएं, उसने यहाँ पे मेंशन किया होगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चनेयर जो है वो यूज किया, ये देखिए मेथड में आया, उसकी मेथडोलॉजी के पोर्शन में उसने अगर ये मेंशन किया है फॉर इंस्टेंस, अब देखिए उसने ना ये कहा है इन द सेकंड सेक्शन 14 आइटम्स ऑफ ब्रांड अवेयरनेस वर अडॉप्टेड फ्रॉम दीज ऑथर्स एंड दीज ऑथर्स, ठीक है। ये देखिए उसने भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मैंने ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं अबाउट ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड इमेज, ब्रांड इमोशनल वैल्यू, ब्रांड वर अडॉप्टेड फ्रॉम दीज, आप भी इनको ट्रेस करें, आप ये पहला पेपर जो है इसको ट्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है। इधर इसमें जाएं, इसको यहाँ पे सर्च करें, देखें क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अब जाहिर है वो 2010 का ये अ फैसिनेटिंग फाइबर फैब्रिकेशन टेक्निक, इसको ओपन करें और देखें इसने, इसके पास क्वेश्चनेयर है या नहीं।
तो ये तरीका आपको यूज करना होगा क्वेश्चन एयर को। सब ये देखिए सेम क्वेश्चन है भी कि ये डिफरेंट पेपर है। मेरा ख्याल है ये पेपर वो वाला नहीं है, इसके हमें सोर्स देखनी पड़ेगी ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इसके रेफरेंस के लिस्ट में जाएं और यहाँ से इसकी सोर्स को, ये ब्रांड एनालिसिस ऑफ यूएस एंड ग्लोबल लोकल ब्रांड्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ से इसकी सोर्स पे जाएं, इसको ओपन करें। ठीक है, और यहाँ पे देखें इसने कोई क्वेश्चनेयर अगर यहाँ पे हमें दिया हो, ठीक है, या तो उसने टेक्स्ट में ही वो क्वेश्चन कहीं पे मेंशन किए होंगे या उसने एट द एंड हो सकता है अपेंडिक्स में क्वेश्चनेयर दिया हो, यानी किसी ना किसी भी जगह पे तो क्वेश्चंस हैं। या फिर एक फिर तरीका ये हो सकता है कि आप उस ऑथर को ईमेल करें और आप उससे रिक्वेस्ट करें कि मुझे इसका क्वेश्चन ईयर प्रोवाइड कर दें। ये देखिए, ये स्केल आइटम्स ऑफ जनरल ब्रांड इंप्रेशन, ब्रांड स्पेसिफिक एसोसिएशन, ब्रांड कमिटमेंट, ये देखें ये स्केल यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर उस ऑथर ने ये स्केल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है वो अलाउ कर रहा है कि आप इस स्केल को यूज कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने इस ऑथर को कहाँ पे रेफर करना है, अपने मैयर्स इंस्ट्रूमेंटेशन के पोर्शन में आपने यहाँ पे रेफर करना है। तो आप देखें ये जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि ये मेरा एक वेरिएबल है डब्ल्यू एफ बी सेटिस्फेक्शन विल बी मैयर्ड बाय दिस ऑथर्स स्केल विच कंसिस्ट ऑफ 5 आइटम्स। ये एग्जाम्पल आइटम है, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग आइटम्स जो है वो मैंने अपने अपेंडिक्स में, यानी वो पूरा का पूरा सर्वे जो है वो मैंने अपने अपेंडिक्स में अटैच किया हुआ है। तो दिस इज वट आई एम एक्सपेक्टिंग यू, एंड दिस इज एक्चुअली आपके रिसर्च को ऑथेंटिकेट करने के लिए ये चीज जरूरी है। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स सेकेंडरी डाटा पे काम कर रहे हैं वो भी हमें सोर्स बताएंगे कि भाई किस सोर्स से आप ये डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी वेबसाइट वहां पे लिखेंगे, उसके पीडीएफ डॉक्यूमेंट का कोई लिंक है तो वो वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये कुछ बात ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो, बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम जो तकरीबन सब लोगों को के रिसर्च प्रपोजल्स में है कि उन्होंने अपने क्वेश्चनेयर्स का सोर्स नहीं बताया। और अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चनेयर है लेकिन हमें उसका सोर्स का नहीं पता, तो फिर वो रिवर्स रिसर्च करें और उसके क्वेश्चंस को गूगल पे टाइप करें और देखेंगे किसी ना किसी सोर्स तक वो क्वेश्चंस आपको जरूर लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करूँ वो डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में आपने सिर्फ ये बताना है कि आप प्रपोज्ड एनालिसिस कौन सा करेंगे। ठीक है, तो वो प्रपोज्ड एनालिसिस में आप, जाहिर है आपके एक लिमिटेशंस हैं, जितना आपको इसके बारे में नॉलेज है, आपने स्टैट्स पढ़ी है, आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ा है, उसमें थोड़ा बहुत आपका डाटा एनालिसिस जरूर डिस्कस हुआ होगा, तो उतनी अपनी नॉलेज को यूज करते हुए आप ये बताएं कि आप प्रपोज्ड एनालिसिस कौन सा लगाना चाह रहे हैं, आप डाटा किस को हैंडल कैसे करेंगे, आपके पास जब क्वेश्चनेयर्स रिसीव होंगे तो आप उन क्वेश्चनेयर्स को के साथ क्या करेंगे। जाहिर है आप जब उन क्वेश्चनेयर्स को रिसीव करेंगे तो आप उनको एंटर करेंगे, एक्सेल में एंटर करेंगे या एसपीएसएस में एंटर करेंगे, आप उसमें उनकी कोडिंग करेंगे, यानी आप स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को नंबर 1 दे देंगे, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को नंबर 2 दे देंगे, न्यूट्रल को 3, एग्री को 4 और स्ट्रॉन्गली एग्री को 5। तो आप किसी तरीके से बताएंगे कि हम उस डाटा को कैसे हैंडल करेंगे, फिर आप उस डाटा की स्क्रीनिंग करेंगे, उस डाटा को उसके बाद आप उसके वेरिएबल्स जनरेट करेंगे, उन वेरिएबल्स का आप मीन मोड मीडियन एनालिसिस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालेंगे, आप उनकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे कि आपके पास डेमोग्राफिक्स में कितने जो डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हैं, जैसे जेंडर हैं तो कितने परसेंट आपके जेंडर हैं, कितने परसेंट जो मेल हैं, कितने परसेंट आपके फीमेल हैं, तो ये आप फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे। फिर
उसके बाद आप अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो कोरिलेशन एनालिसिस के जरिए भी कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस के जरिए भी कर सकते हैं, तो अप टू बेस्ट ऑफ योर करंट नॉलेज, क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एज सून एज पॉसिबल वो अपलोड हो जाए, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ डाटा एनालिसिस जो है, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, वो मैं आपको समझा सकूँ और बता सकूँ, और साथ साथ गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट करने हैं और ऑनलाइन डाटा कैसे कलेक्ट करना है वो भी मैं आप उस पर काम कर रहा हूँ। तो फिलहाल की रिक्वायरमेंट यही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, कि आप जो आपको मैंने एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया है रिसर्च प्रोजेक्ट का, आप उस उसकी हेडिंग्स को ही, उनकी फॉर्मेट को ही फॉलो करें। उसके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं उस टेम्पलेट में, क्योंकि मैंने भी वो टेम्पलेट अडॉप्ट किया है कहीं से, तो वो दैट्स ओके। लेकिन ओवरऑल जो उसके फील है, ओवरऑल जो उसकी फॉन्ट है, देखें आप इस टेम्पलेट में आई थिंक 1.5 आई थिंक लाइन स्पेसिंग है या 2 लाइन स्पेसिंग होगी, ठीक है, तो 1.5 या 2 लाइन स्पेसिंग जो इस टेम्पलेट में है। आपको आप बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कितनी होनी चाहिए लाइन स्पेसिंग, हमने तो आप देखें टेम्पलेट तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, वर्ड में है, वर्ड के फॉर्मेट में। आप लोगों का काम यह था कि आप उसी को फिल करते, उसी के फॉर्मेटिंग को यूज करते, ठीक है। आप उसको अगर मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछेंगे तो जाहिर है मेरे जहन में तो हर वक्त नहीं होगा कि भी मैंने आपको क्या पिन पॉइंटेड मैंने आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। मैंने तो आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है चैप्टर 3 कैप्स में, चैप्टर का नाम कैप्स में, फिर इंट्रोडक्शन 3.1 3.2। तो जो स्टूडेंट्स हु आर गुड एट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस उनके लिए तो ईजी होना चाहिए कि भाई आपने एक आधी हेडिंग अगर आपने ऐड करनी है दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेट तो सेम रखना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू कि ठीक है, पीपल आर आस्किंग मी गुड क्वेश्चंस, दे आर इंक्वायरिंग अबाउट द थिंग्स, बट अगर आपके पास एक सैंपल है, एक फॉर्मेट है, आप उसको यूज करें और उसके हिसाब से एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें, मेरे लिए उस डॉक्यूमेंट को वैल्यूएट करने की आसानी हो जाएगी। मैं फिर आपके छोटी मोटी गलतियां जो हैं कि जी ये चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू आपने नहीं लिखा, सिर्फ चैप्टर 2 लिख दिया है या सिर्फ लिटरेचर रिव्यू लिख दिया है, तो ये मुझे फिर ना एवेल्यूएशन में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसकी, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली आई होप दिस इज माई लास्ट वीडियो बिफोर यूर प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन, और मैंने इसकी डेट जो है वो 10th कर दी है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली मुझे अपना प्रपोजल सबमिट कराना है। वेरी सून आई विल आल्सो स्टार्ट कंपाइलिंग दिस डाटा एंड वी विल हैव एन ऑनलाइन वाइवा, वाइवा आपका रिपोर्ट मुझे सबमिट कराएंगे फाइनल। और इसमें मैं आपको एक और खुशखबरी सुना दूं कि ऑलमोस्ट 70% आपका काम डन है, जो आपकी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है। मैं जब आपका मिड टर्म चेक करूंगा उसके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं आपको बताऊंगा, आप अपने फाइनल प्रोजेक्ट में उनको इम्प्रूव करके सिर्फ चैप्टर नंबर 5 और 4 4 एंड 5 राइट करके मुझे वो सबमिट करा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैंने आपकी जो फाइनल सबमिशन डेट है वो 10th ऑफ जून कर दी है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू सबमिट देयर ओन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लस इंफॉर्मेशन मेरे पास जो अपडेट कर रहे हैं कि जो लोग कंबाइंड काम कर रहे हैं, मेरा उससे कंसर्न सिर्फ यही है कि बाद में किसी ने अपना ग्रुप चेंज नहीं करना, या इंडिविजुअल है तो किसी और को ऐड कर ले, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए किसी और की कि जी उसके लिए मैं बना देता हूँ। जो इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है वो अब सेम रहेगी। हर स्टूडेंट प्रिपेयर होना चाहिए अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि बाद में इसका एक वाइवा होगा 20 मार्क्स का, और वहीं से मैं एवेल्यूएट कर लूंगा कि किसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता है और किसको इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन आई वुड से कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, मच मच बेटर देन माय एक्सपेक्टेशंस। जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, जो थोड़ी बहुत डिविएशंस हैं, अगर वो भी इम्प्रूव कर लेते हैं तो योर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आर ऑलमोस्ट एज गुड एज परफेक्ट। थैंक यू सो मच।